अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप साहब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हमारी व्लॉगिंग तो चलती रहती है, तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा मेडिसिन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और जिन भी मेडिसिन के बारे में मैं आप लोगों को बताऊँगी, इंशाल्लाह डिटेल के साथ बताऊँगी और आप लोगों को अच्छे से समझ भी आएगी। और इससे पहले मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करूं, आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और कमेंट्स में भी अगर आपके कोई क्वेश्चन हुए तो आप ज़रूर पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो फिर उन पर भी बनाऊंगी। तो आज मैंने आप लोगों को होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताना है। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं ना कि होम्योपैथिक है क्या चीज़। होम्योपैथिक एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें हम लोग मर्ज का नहीं बल्कि मरीज़ का इलाज करते हैं। जब भी पेशेंट आपके पास कोई आता है तो होम्योपैथिक के हिसाब से हम लोगों को यही समझ में आती है कि इंसान जो होता है वो उस वक्त बीमार होता है जब इसकी वाइटल फोर्स यानी कुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर हो जाती है। तो कुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर होने की सूरत में जब हम लोग होम्योपैथिक मेडिसिन से उसका ट्रीटमेंट करते हैं, जिसकी वजह से वाइटल फोर्स उसकी स्ट्रॉन्ग हो जाती है और पेशेंट ठीक हो जाता है। ये होम्योपैथिक का एक कॉन्सेप्ट है। ये भी कहा जाता है कि जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट होता है ना, वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। हाँ जी, ऐसा भी हो जाता है किसी किसी केस में, लेकिन ज़्यादा ऐसा होता है कि टाइम कंज्यूमिंग ट्रीटमेंट उस हिसाब में होता है जब आप लोग प्रिस्क्राइब मेडिसिन सही नहीं करते, जब आप लोग सारी सिम्टम्स पेशेंट की चेक करके और उस हिसाब से बिल्कुल एग्जैक्ट आप लोग मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे जब, तो ट्रीटमेंट जो होता है वो जल्दी हो जाता है। और होम्योपैथिक मेडिसिन की एग्रीवेशन भी होती हैं, लेकिन ये इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट के वीडियो में डिटेल से बताऊंगी। ये भी एक बहुत बड़ा पूरा टॉपिक है, और इस तरह होम्योपैथिक के बारे में मैं बताना शुरू करूंगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो चलें अब अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं कि आज मैंने आप लोगों को होम्योपैथिक की एक मेडिसिन के बारे में बताना है। और जब आप मेडिसिन देंगे ना अपने पेशेंट को, वो वाली मेडिसिन जिसमें आपने पेशेंट की मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली सारी सिम्टम्स वगैरह जो होती हैं सारी ले के, तो जो मेडिसिन आप प्रिस्क्राइब करेंगे ना, वो मेडिसिन उस पेशेंट के लिए बेस्ट होगी और आपको भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे उस मेडिसिन से। और मेरी सारी बातें बताने का मकसद ये नहीं है कि आप लोग इन सारी बातों को अपने ऊपर हावी ना कर लेना। वो एक प्ले था ना, कि प्ले था या नावल था, कुछ ऐसा था। FSC की क्लास में, FSC में होते थे जब हम लोग, तो इंग्लिश की बुक में था शायद, I am हॉस्पिटल। तो वैसा कुछ भी नहीं सोचना कि जो भी मेडिसिन आपको बताती जाओ तो ये ना हो कि आप लोगों को वो सिम्टम्स खुद में लगना शुरू हो जाएंगे। खुद पे भी गौर करना चाहिए। तो आप लोग खुद में भी अगर इस तरह के कोई भी सिम्टम्स हैं जिसके बारे में आपको मेडिसिन पता है, तो आप लोग वो मेडिसिन ले सकते हैं, लेकिन इतना भी इन सारी चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं कर लेना। बिल्कुल लाइट मोड में सारा कुछ समझें तसल्ली से, ताकि मेडिसिन आपको डिटेल में मैं समझा सकूं। चलें जी, तो आज हम जिस मेडिसिन के बारे में डिस्कस करेंगे वो हमारी मेडिसिन का नाम है एकोनाइट। एकोनाइट को आप लोग कह सकते हैं कि ये होम्योपैथिक की एक फ़र्स्ट मेडिसिन है, और इसे तकरीबन अगर में ही होना चाहिए, क्योंकि सारी वो अलामात जो हमें अचानक से आ जाती हैं उन सब के लिए एकोनाइट बहुत बेस्ट मेडिसिन है। तो अभी हम लोग चलते हैं फिर एकोनाइट की अलामात के बारे में जानते हैं। एकोनाइट की अलामात में आता है कि जब आपके पास कोई पेशेंट आता है ना, तो उसको होता है डर, होता है खौफ होता है, और ये इसकी मेन सिम्टम है सबसे बड़ी। और खौफ और डर, इस तरह के कोई पेशेंट आप लोग देखेंगे तो वो आपको सहमा सहमा सा लगेगा, डरा हुआ लगेगा। मौत का खौफ इसकी सबसे बड़ी सिम्टम होती है। और पेशेंट जो होता है भीड़ में जाने से घबराता है, बाहर सोचता है कि अगर वो चला जाए, गाड़ी में बैठ जाएगा तो डरता है, अकेले बाहर निकलने से डरता है कि मेरे साथ पता नहीं क्या होगा। और ज़्यादा ये होता है ना कि उसको मौत का खौफ होता है, वो खुद ही सोचता है कि मैं मर जाऊँगा, मैं इस जगह जाऊँगा तो मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, और यहाँ तक कि वो अपनी मौत का टाइम भी खुद से ना कंसीडर कर लेता है। तो ऐसी अलामतें आपको जिस पेशेंट में भी मिलें, आप लोग उसे एकोनाइट दे सकते हैं। और
और ये खौफ आप लोगों का जहनी खौफ भी हो सकता है, और खौफ बहुत सारे खौफ होते हैं, जैसे आपको काफ़ी सारे डर जो होते हैं कई बीमारियों के बाद भी आ जाते हैं, और कई जो होते हैं वो अचानक से हो जाते हैं। तो अचानक से कोई भी सिम्टम्स जो आपको अपने खुद में फील हो या आप किसी पेशेंट में देखें, तो आप लोग एकोनाइट उसको दे सकते हैं। और मज़ीद एकोनाइट की सिम्टम्स में ये भी आता है कि आपके जो दिल की अलामत होती है ना, उनमें ये आता है कि आपकी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो रही होती है, आपकी नब्ज़ आपको भरी भरी फील होती है। अक्सर पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं कि बैठे बैठे अचानक वो कहते हैं कि हमारी नज़र चली गई है, अचानक से हमें देखना हमारा बंद हो गया है। तो ऐसे पेशेंट्स को भी आप लोग एकोनाइट दे सकते हैं, और एकोनाइट के चंद ड्राप्स देने से कुछ डोजेस के बाद वो आप वापस रिकवर हो जाएगा। हार्ट के जो अक्सर पेशेंट्स होते हैं जिनमें उनके साथ डर और खौफ होता है, तो वो सारे पेशेंट्स एकोनाइट से बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं। अब मैं आप लोगों को नींद की सिम्टम्स के बारे में बताती हूँ, क्योंकि जब भी कोई पेशेंट आता है ना, तो हमारा काम बनता है कि कलेक्टिवली सारी सिम्टम्स देख के तो फिर मेडिसिन प्रेस्क्राइब करें। तो जब हम लोग उस पेशेंट की नींद के बारे में पूछते हैं, तो वो हमें कहेगा कि मैं सोता हूँ तो मुझे डरावने ख्वाब आते हैं, और ये अलामत भी हमारी एकोनाइट की है। और इसके अलावा ऐसे पेशेंट का गला अक्सर खुश्क रहता है, ये आर्सेनिक की भी ऐसी सिम्टम्स हैं। लेकिन हम एकोनाइट को इस तरह पहचान सकते हैं ना, कि ऐसे पेशेंट में एनजाइटी, रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा होती है, और मौसम की तब्दीली की वजह से भी जो भी सिम्टम्स हमारे अंदर आती हैं, जैसे नज़ला, ज़ुकाम, बुखार वगैरह, ज़्यादा शदीद सर्दी की वजह से या ज़्यादा शदीद गर्मी की वजह से जो भी चेंजेस आती हैं, उन सब के लिए एकोनाइट बेस्ट मेडिसिन है। और एकोनाइट मेडिसिन की और हम लोग सर की अलामत के बारे में जाने, तो ऐसा पेशेंट इस तरह फील करता है कि जैसे उसके सर में पानी भरा हुआ है, और रेस्टलेसनेस वगैरह ये सारी जो होती हैं ये सिम्टम्स साथ ही रहती हैं। और अगर कानों के बारे में पूछ लें या कानों की अलामत, तो वो शोर को ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते, सेंसिटिव होते हैं। और हमेशा एकोनाइट की जो पोटेंसीज होती है ना, वो 30 में पोटेंसीज होती है, वो छोटे बच्चों के लिए आप लोग 30 में यूज़ कर सकते हैं, और वैसे नॉर्मल आप लोग एकोनाइट की 200 की पोटेंसी अपने पास रखें ज़रूर। एकोनाइट का जो पेशेंट होता है, जब उसको बुखार होता है ना, उसके हाथ पांव हमेशा ठंडे रहते हैं, और बुखार जब होता है तो उसका एक गाल रेड हो जाता है, और एक बिल्कुल मतलब एक पेल रहता है, एक ठंडा होता है, एक गर्म होता है, ये इसकी में सिम्टम्स में आता है। और आप आई होप मैंने आपको जितना भी बताया होगा आप लोगों को क्लियरली समझ आ गई होगी। और जाते जाते मैं आपको इतना भी बता दूं कि आप लोग एकोनाइट की जो पोटेंसीज होती हैं, कोशिश किया करें कि अगर आप लोग ज़हनी अलामत ले के मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, तो आप लोग हाई पोटेंसी यूज़ कर सकते हैं 1 mm या CM में। जैसे अगर किसी को हार्ट अटैक है, तो आप इंस्टेंट अगर ये मेडिसिन देनी है आपने, तो आप लोग 1 mm या CM में दे सकते हैं। और वैसे नॉर्मल जो होता है, आप लोग एक्यूट बुखार में, एक्यूट डिजीज़ जो सारी होती हैं, आप लोग इसमें 30 पोटेंसी में ये मेडिसिन दे सकते हैं, क्योंकि अगर आप लोगों ने ये मेडिसिन बार बार रिपीट करनी है, तो 30 बेस्ट है, अदरवाइज़ आप लोग एकोनाइट 200 यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। ख्याल रखिएगा अपना बहुत सारा। अल्लाह हाफिज़।